पद्म भवं वशिष्ठं शतिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं यो इन्द्रयोगीन्द्रमताश्च शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमताश्च पद्मपादं च सामलकं च शिष्यं त्वं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्माद्गुरो सन्ततमानतोऽस्मि श्रुति श्रुति पुराणानां मालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमपद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति यो विश्वात्मा विधिजविषयान् राष्ट्रभोगान् सविष्टान् पश्चाच्चरणान् शमति विभवान् ज्योतिषाश्रयेण सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरतिशयै स्वामनिष्ठापयित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नमस्तु अथर्वेदीय मांडुक उपनिषद के अद्वैत नामक तृतीय प्रकरण पर विचार चल रहा है। इस तृतीय पहला प्रकरण में आगम श्रुति का कक्षा है जगत की मिथ्या जगत में परमार्थ कथा नहीं है और न ये परम पुरुषार्थ के लिए वो साधन बन सकता है साधन बन सकता है। इसको निरूपण करने के बाद युक्तिपूर्वक जगत के मिथ्यात्व को समझाया श्रुति उनको युक्ति के द्वारा द्वितीय प्रकरण तो सारे संसार मिथ्या का अधिष्ठान भी मिथ्या होगा तो इस संघ को निराकरण करने के लिए अद्वैत तो पारमार्थिक सत्य है अधिष्ठान रूप है और उसी के ऊपर माया शक्ति से सारा संसार की प्रगति होती है। पारमार्थिक सृष्टि होने संभव नहीं है यही वेदांत निश्चय है यही वेदांत निश्चय है। तो इस हम समझे कैसे कि आत्मसत्य अनुबोध है न संकल्प यदा अमनस्कमता कहा जाती क्योंकि मनुष्य ही अमनी भावे दैतम नहीं को पलटते। मन यदि अपने मुंह को नहीं खोलता तब दैत्य प्रपंच आपको दिखाई नहीं देता। दृष्टांत तो क्या है सुषुप्ति दृष्टांत क्या है सुषुप्ति सुषुप्ति में दैत्य प्रपंच दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है नहीं पड़ता। तो आप जागृत में बैठ करके यदि अपने को सुषुप्ति अवस्था में ले सकते हैं मतलब जागृत में बैठ करके यदि आप सुषुप्ति अवस्था में जा सकते हैं तब क्या हो जाएगा मन अमन अवस्था में और मन यदि अमन हो जाता है मनुष्य ही अमनी भावे द्वैतम नहीं को उपलब्ध है इसको थोड़ा कम कर दें द्वैतम नहीं को उपलब्ध है मन यदि अमन हो जाता है तब द्वैत वो वाला खेती बन गई। हाँ इसको
उसको बंद रखिए, थोड़ा इधर से खोलिए। ओम ओम हरिओम। तो मन को यदि अमर कर सकते हैं तो आपको देखते प्रपंच उपलब्ध नहीं हो, परंतु मन को अमर करना इतना आसान काम है। इसमें उसके लिए क्या दृष्टांत दिए थे, उत्सेकर उदधम यद्वत उषा कृण एक बिंदु ना मनुष्य निग्रह तत्पर भवेद अपरिचय। एक एक बूंद बूंद से समुद्र को खाली करने के लिए जितना दृढ़ अध्यावश्य और मेहनत चाहिए, मन को एकाग्र करने के लिए इतना दृढ़ निश्चय और प्रयास चाहिए, तब मन हो जाएगा ऐसा कहता है। परंतु हर जगह पे नियम तो एक ही है। नियम क्या है, अभ्यास वैराग्यभ्यम तन निरोग। वेदांत में अभ्यास क्या है, ज्ञानाभ्यास और वैराग्य। ज्ञानाभ्यास क्या है कि जगत प्रबंधन श्रवण मनन मेडिटेशन में ही ज्ञानाभ्यास आता है। तो क्या करेंगे कि जो भी शास्त्र सुना शास्त्रों के आधार पर श्रवण मनन तो किया, खूब श्रवण मनन कर रहे, मतलब जगत के मिथ्या तो निश्चय नहीं हो रहा है। ये श्रवण मनन का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ किया वो देखना पड़ेगा। श्रवण मनन किया, शास्त्र ने बताया जगत में पारमार्थिक सत्य नहीं, हमारे अंदर वो भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि वो भाव आएगा तब तो मन का मन होगा। हाँ, शास्त्र ने बोला जगत मिथ्या, मतलब हमारे मन में दृढ़ निश्चय नहीं हो पा रहा है, तब तो हम जगत से व्यवहार करते हैं अशक्त होकर। निराशक्त व्यवहार यानी पुरुष व्यवहार करते हैं, उनकी व्यवहार निराशक्त होता है और हम लोगों की व्यवहार सशक्त होते हैं। तो इसलिए ये श्रवण मनन के साथ साथ ये विचार इनको ये लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं, श्रवण से ज्यादा आत्मसत्य अनुबोध लेना न संकल्प लेते जरा, है ना। एकमात्र ईश्वर अथवा आत्मा ही सत्य वस्तु है और बाकी सारा संसार में कोई पारमार्थिकता नहीं है, उससे कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा। इस पुरुषार्थ को हम चाहते हैं, जब ये निश्चय हो जाएगा आत्म ना संकल्प जगत स्थिति विषय के बारे में संकल्प अमनस्कम तदा जाए, तब मन अमन हो जाता है। क्यों, ग्रहण करने के लिए कोई वस्तु ही नहीं रह जाएगा। जिस प्रकार स्वप्न में देखे हुए वस्तु के प्रति मेरा मन कभी भी नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, दृढ़ निश्चय कभी सत्य हो ही नहीं सकता। किसी को जागृत प्रपंच जैसे स्वप्न जैसे निश्चय होने पर फिर मन नहीं जाता, परंतु इसका निश्चय करने के लिए बहुत कठोर मेहनत तो अध्यावश्य चाहिए, उत्सव होता दे जाता। अब जब मन धीरे धीरे आप एकाग्र करना था अपने बस में करने लगते, तब क्या क्या समस्या आएगा, तब क्या क्या समस्या आएगा उसको लेकर भी ग्रंथकार बोलते हैं। जैसे ही क्योंकि आज तक हमारे क्या अभ्यास है, जैसे ही भक्ति बुद्धि बंद करके चुपचाप अकेला बैठने के लिए मन के पास उस समय ऑर्डर आ जाता है बुद्धि से, अब वो सोना चाहता है, जीवात्मा सोना चाहता है, तब क्या हो जाता है, मन सोने की इच्छा करता है, तो लय प्राप्त करना चाहता है, सोना चाहता है। परंतु आपको नहीं नहीं अब सोना नहीं है, हमको भगवान की चिंतन करना है। जैसे ही मन को जगह उसका तो भगवान चिंतन का अभ्यास नहीं है, वो विषय चिंतन में दौड़ जाएगा। नहीं चिंतन मन की ये है स्वभाव है, ये इसको इसी को रोकना है। तो लय संबोधय चित्तम, जब लय प्राप्त करता है तो मन को धीरे धीरे जगाओ। जैसे ही जगेगा मन फिर अपना पुराने अभ्यास का अनुसार विषय को भागने का कोशिश करेगा। विक्षिप्तम समय पूर्ण बाहर जाता है फिर खींच के लाओ। उन शब्द प्रयोग किया कि एक बार में नहीं होगा, बार 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 करने से ये तो दोनों से तो अपने बचा है। अब एक तीसरा कंडीशन और खराब स्थिति है, सकाशाय बीजा नहीं है, वो ना सोएगा ना भगवान की चिंतन करेगा, चुप बैठा रहेगा, अपने अपनी अभिष्ट वस्तु की चिंतन भी नहीं करेगा, सोएगा भी नहीं। जैसा एक नटखटी बालक को माँ खेलने भी नहीं देते और वो पढ़ना पढ़ो और बालक पढ़ना नहीं चाहता, तो उसका पढ़ेगा भी नहीं, पुस्तक खोल के बैठा रहेगा, पढ़ेगा भी नहीं, खेलेगा भी नहीं। इस प्रकार मन का तीसरा अवस्था क्या है, वो अपने इष्ट चिंतन भी नहीं करेगा। स्वसायम बीजानिया, ये क्या है, वो जो राग देश की बीज है ना, वो बीज नाश नहीं हुआ, इसलिए वो क्या करता है, वो अपने इष्ट की तरफ जाने नहीं देता उसको। अब जो है धीरे 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 जब आप उसको भी समझ जाएंगे अरे इंटरेस्ट करें, तो आप उसको फिर जोर प्रखर पूर्वक नहीं तो यही करना पड़ेगा, उनके ही करना पड़ेगा, अपने आसन को पूर्ण करना, किस भाव में मन को स्थिर करना, है ना, विषय चिंतन नहीं करना। ऐसा करते करते एक शांत भाव में मन आता है। इस अवस्था में भी अब क्या होता है, जैसे मन एक स्थिर अवस्था को प्राप्त करते हैं, एक विषय रूप आ रहे हैं ना, मैं विषय रूप में चिंतन कर रहा हूँ, मैं स्वंग हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं व्यापक हूँ, विषय रूप में
आप चाहे धीरे धीरे मन को सुषुप्ति का सुख को लालच दिया आपने, देखो तुम सुख अथवा आनंद चाहते हो ना, देखो जिस समय तुम शरीर के साथ तादात्म्य छोड़ सकोगे उस समय तुम सुख मिलेगा। जैसे ही मन को आप धीरे समझाया तब मन उस विषय को ध्यान करने का कोशिश करेगा। मतलब आपके सामने विषय उसका भी एक आनंद है, मतलब ध्यान विषय आत्मा, ध्यान विषय मतलब आत्मा आत्मस्वरूप का विषय रूप में चिंतन कर रहे हैं अथवा ईश्वर के रूप का विषय रूप में चिंतन कर रहे हैं अपने स्वाभिन्न रूप से विषय को सामने, उससे क्या होता है कि वहाँ पे साथ मिलता है, वहाँ पे भी उन्मन श्री गण का आनंद मिलता है। बोलते हैं अब ये फोर्थ स्टेप और सूक्ष्म है, नाशागत सुखम तत्व, इस सुख को भी आस्वाद मत करें। अभ्यास के माध्यम से संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समानांतर स्थूल सूक्ष्म विषय का अवलंबन करके मन को धीरे 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 अपने इष्ट में लगाने के बाद वो इष्ट वस्तु की ध्यान जब आपका ध्येय विषय हो रहा है आत्मज्ञान यहाँ से शुरू होता है। ये यही एक प्रोसेस है। वो ध्येय वस्तु यदि आपके सामने विषय रूप में आ रहा है उसकी सुख का भी आस्वादन मत करो। उसकी आत्मज्ञान चाहते हो तो वहाँ से भी एक कदम और ऊपर उठना पड़ेगा। न आश्वादय सुखम तथ्य निस्संग प्रज्ञा, मुझे मन को उस समय समझाना पड़ेगा मन ये भी एक विषय सुख है, ये भी एक विषय कि तुम्हारे सामने विषय रूप में आ रहा है, थोड़ी देर रहेगा पर यहाँ से उत्थान हो जाएगा, फिर दुखी हो जाओगे, फिर दुखी हो जाओगे, तब क्या करना पड़ेगा उस समय निस्संग प्रज्ञा मुझे निश्चल निश्चल चित्त, अब चित्त को वहाँ से उठाने पर फिर चित्त में कोई मतलब विषय आभास विषय आकर वाइब्रेशन कुछ नहीं होता, एक शांत भाव में रहता है, एक ही गोलियात प्रयत्नता उस अवस्था में उस एक भाव में प्रयास पूर्वक मन को रखने का कोशिश करें, है ना। उस समय न स्वतः चार प्रतिबंधक है, सबसे बड़ा प्रतिबंधक लय, नेक्स्ट प्रतिबंधक विक्षेप, थर्ड प्रतिबंधक हो गया स्वसाहस, फोर्थ प्रतिबंधक हो गया समाधि सुख की आशा। ये चारों चीज से विषय रूप में चिंतन कर रहे हैं तो वहां से उत्थान होगा, इष्ट जब स्वरूप रूप में आ जाएगा तो वहां से उत्थान, तो स्वाभाविक सुख है। बोलते उसने क्या उठाया था, चित्त वृत्ति को जब निरोध कर दिया, निरोध कर दिया तो स्वरूप सुख का अनुभव कैसे करेंगे, तो करके तो देखो अनुभव होता कि नहीं होता, करके तो देखो स्वाभाविक सुख, जब चित्त वृत्ति नहीं है सुख आत्मा कोई वृत्ति नहीं सुख कैसे अनुभव करेंगे। बोलते स्वाभाविक सुख है वो अपने आप अभिव्यक्त होता है, उसको जानने के लिए किसी का आवश्यकता नहीं होता, वो चित्त आदि की आवश्यकता नहीं होती है ना। ऐसा करके कल हम लोग इसको पढ़ रहे थे 45, है ना, हो गया था पूरा, कि थोड़ा टीका बचा हुआ था, टीका थोड़ा सा दो चार डेट पीछे का बचा हुआ है, कर दिया था। यहाँ पीछे देखिए कि टीका में पूर्वोक्त समाधि अनुरोधा आत्मनि एव निश्चल स्वभावम, ठीक है ना, पूर्वोक्त समाधि मतलब सात नंबर टिप्पणी करते निरोध समाधि, है ना, मतलब चार प्रकार की अवस्था से ऊपर उठ करके जब थोड़ा थोड़ा उनका अभ्यास होता है अनुरोधक आत्मा ने एवं निश्चल स्वभाव, आत्मा में ही जो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं क्या होता है, आत्मसंस्थम मन कृत्व चिंत, आत्मा में समग्र से मन को स्थापन करके बस और कोई चिंता मन में उठने ना, यदि इधर उधर जाते सोने की इच्छा करते हैं जगह दो विक्षेप करते हैं तो फिर यहाँ पे मुंह करा कुछ नहीं करूँगा फिर भी आत्मा में लगा, अरे मैं संभव होता पूर्ण हो गया तो यही आनंद में स्थिति है, इसलिए आपको पता हो, इसलिए बताए स्वभावम स्वचित्तम यथकतम सुख राग निमित्तम अथवा तक उभय राग निमित्तम, वो जो समाधि की सुख की राग के निमित्त से अथवा उसका साधन के प्रति राग के निमित्त से निश्चल मगर उसको छोड़ करके भी निश्चल हो जाता है क्योंकि संभव तच्च चित्तम बाह्य विषय अभिमुखा मुक्त उपायेण, वो चित्त को बाहरी विषय से अभिमुख से घुमा कर के ऊपर उपाय कहा गया है, ज्ञान अभ्यास आदि न ज्ञान और वैराग्य के अभ्यास, ये दोनों चीज बोध और वैराग्य ही वेदांत का मुख्य साधन है।
बोध और वैराग्य, बोध मतलब विचार पूर्वक तत्व निश्चय हो गया बोध, और इससे क्या हो जाएगा अपनात्म वस्तु का पूर्ण रूप से त्याग, एक वैराग्य बोध और वैराग्य ज्ञान अभ्यास आदि ना व्यावर्त उसको हटा करके आत्मनि एव परस्मिन् ब्रह्मणि प्रयत्नत है ना, परस्मिन् ब्रह्मणि प्रयास पूर्वक संप्रज्ञात समाधि वसाद एक ही को मिला है, संप्रज्ञात स्प्रे भी उसके बाद असंप्रज्ञात भी उसमें एक कर देना चाहिए। असंप्रज्ञात समाधि युक्त भाई असंप्रज्ञात समाधि में जब आएगा तब क्या हो जाएगा अपनी परिपूर्ण भाव को है ना, परिपूर्ण परिशुद्ध परिशुद्ध परिपूर्ण ब्रह्मात्मक स्वयं दृष्टि है ना, परिशुद्ध मतलब बाहर किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, परिपूर्ण मतलब अपनी पूर्णता व्यापकता, ब्रह्म मतलब निस्संग व्यापकता असंग व्यापकता इस भाव में विद्यमान रहना चाहिए स्थिर करेगी सत्ता मात्र में। देखिए अब क्या हो जाएगा आपका एक चेतन सत्ता मात्र, क्या हो जाएगा मैं क्या हूँ एक चेतन पूर्ण सत्ता मात्र, बस हमेशा विद्यमान रहने वाले पूर्ण चेतन तत्व इतना ही भाव चित्त एक चित्त इसी में मतलब रम जाएगा चित्त इसमें स्थिर हो जाएगा है ना, ये स्थिति को प्राप्त करना पा रहे। अब जो है इस प्रकार से अवस्था करते करते आप क्या कर देते हैं अब नेक्स्ट के लिए 46 के लिए कदा पुनर इदम चित्तम ब्रह्म मात्र आप कर देते, मैं कैसे समझूंगा इस चीज़ को हमारा चित्त कैसे स्थिति लाया, जैसे जैसे देखो भगवद गीता षष्ठ अध्याय उसको रेफर करते होंगे ध्यान में, पहले क्या बोला था कि जब आप सन्यासी के बिना योगी नहीं हो सकते, क्यों ये तो सन्यास के बिना मन जो है स्थिर नहीं होता तो योग कैसे करोगे। अब जो है कि जो आरुक्ष मुनि योगम कर्म कारणमुच्यते योगानुरुक्ष तस्यैव सम कारणमुच्यते, तो मैं योगानुरुक्ष हुआ कि नहीं हुआ कैसे समझेंगे, तदा हि न इन्द्रियार्थे न कर्म संसज्यते न कर्म संसज्यते कैसे समझ पाएगा इंद्रिय विषय के साथ संबंध करने की इच्छा नहीं करता, यदा ही ने इंद्रियार्थे सर्व संकल्प मन में से किसी भी प्रकार के संकल्प नहीं उठेगा, ये पूर्णतः ये योगानुभव की लक्षण, फिर उसको प्राप्त करने के उपाय बताए। यहाँ भी जैसे धीरे धीरे आप अभ्यास करते जाएंगे हम योगानुभव अथवा आपका स्वरूप में स्थिर हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे वो कैसे समझें उसके लिए आगे बढ़ते हैं। कदा पुनर्चित्तम ब्रह्म मात्र महापद्यते चित्त व्यापकता ब्रह्म भाव को प्राप्त कर गए कैसे समझेंगे हम किस समय होगा, इसको उत्तर में कहते हैं आप देखिए श्लोक 46 यदा नालीयते चित्तम् यदा नालीयते चित्तम् न च विक्षिप्यते पुनः न च विक्षिप्यते पुनः अनिन्दनमनाभासम् अनिन्दनमनाभासम् निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा यदा नालीयते चित्तं च विक्षिप्यते पुनः अलिङ्गनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा। अब क्या हुआ आप जब आप क्यों बैठे रहते हैं ना भगवान चिंतन करने के लिए मन उस समय लय नहीं प्राप्त होता, मैं सोने की इच्छा नहीं करता क्यों उस स्वरूप शुद्ध आनंद उसको मिल चुका है, मन उस समय सोने की इच्छा नहीं करता लगता है पास अपने भाव में बैठो, इसीलिए साधन करते करते व्यक्ति को जो साधन निद्रा अपने आप कम हो जाता है, निद्रा अपने आप कम हो जाता है शरीर किस दर के जितना सोने फिर अपने आप उस चिंतन के लिए मन जग जाता, मान लीजिए किस दर पर पड़ा हुआ शरीर और मन जो है अपने ही समझाना हो जाता अपने आप होगा कुछ जगा ना ली यदि चित्तम जिस समय चित्त भी लय प्राप्त तो नहीं करता सोने की इच्छा नहीं करता मन क्योंकि उसको स्वरूप से आनंद मिल चुका है क्या बोला था तो क्यों सोएगा और क्या करते हैं
इसमें क्या हो जाएगा, इसके साथ ये तमोगुण की कार्य है, सो जाना तमोगुण की कार्य है, और वो जो सकसाय था कुछ नहीं करूँगा वो भी तमोगुण की है, ये दोनों के इसमें ग्रहण हो जाएगा। और विक्षेप हो गया राजगुण, मतलब विषयात्मक सुख ग्रहण करने का, उसमें दोनों का ग्रहण हो जाएगा, बाहरी विषय की और समाधि सुख की आस्था मृत्यु, ये दोनों ग्रहण हो जाएगा। चार से को दो शब्दों की तरह कह दिया, एक तमोगुण की आश्रय करके, एक रजोगुण प्रधान, एक रजोगुण प्रधान सत्वगुण रेनफोर्समेंट, एक सत्वगुण प्रधान रजो रेनफोर्समेंट, इन दोनों को एक तरफ ले लिया, एक दोनों को एक तरफ ले लिया, क्योंकि चार स्थिति बताया था ना, आत्म साक्षात्कार करने में प्रतिबंधक रूप में चार क्रम से आता है, लय विक्षेप सकसाय और समाधि सुख, चार में से लय और सकसाय को तमोगुण की तरफ लिया, इसलिए बोलता है जदा ना लीयते चित्तम, जिस समय चित्त लय प्राप्त की इच्छा नहीं करते, मतलब वो सकसाय भाव में भी नहीं है, सोता भी नहीं है, एक दूसरा क्या है, वो विषय चिंता भी नहीं करता, समाधि की भी इच्छा नहीं करता, बस अपने भाव में तरफ। और क्या होगा स्थिति उस समय, अनिंगन, अगला श्लोक में भी अनिंगन, देयर विल बी नो वाइब्रेशन, है ना, वहां पर कोई चेष्टा, कुछ भी चेष्टा नहीं होगा। अनाभाषम, चित्त को समझेंगे कैसे, अभी तक चित्त कैसे समझ रहे थे, विषयाकार वृत्ति से मन को समझ रहे थे, अब विषयाकार वृत्ति से मन को नहीं समझेंगे, और वो कैसे समझेंगे उसका कोई भाषा भी नहीं, विषयाकार नहीं, अनाभाषम, इतना इतना बोला विषय के साथ आभाषित नहीं होगा, पर क्या होगा वो नहीं निष्पर्ण, इस स्थिति को ब्रह्म भाव, हमारा चित्त व्यापकता के भाव को प्राप्त किया ऐसा समझ सकते, निष्पन्न ब्रह्म। अब बताइए कि कितना अनुभव स्पष्ट होने पर ऐसा लिखा जा सकता है, कितना गौर वाला चाहते हो, नारायण की पर कितना हुआ होगा कि मन की स्थिति को इस समय क्या स्थिति हो सकता है, किंतु यहाँ नहीं बोला जाता और नहीं बोला जाता, मैंने क्रम से कैसे कैसे उठाया, कहाँ से कहाँ उठा के लाया, देखिए तो यदा न लीयते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः, है ना, लीय के साथ क्या हो जाएगा, लीन और सकसाय को एक कैटेगरी में रखेंगे, और विक्षेप मतलब चित्त वृत्ति के माध्यम से विषय सुख जैसा होता है उसी प्रकार समाधि सुख को एक कैटेगरी में ले गया, ये चारों स्थिति से ऊपर उठ करके मन में जब कोई इंधन मतलब कोई किसी प्रकार से कोई कल्पना नहीं होता और कल्पना संबंधी चित्त को आपको नहीं दिखाई देता, समझना कि ब्रह्म निष्पन्न मतलब, और मन तब अधिष्ठान के साथ एक हो गया, मन तब अधिष्ठान के साथ एक हो गया, ये इसका विपरीत होता है ब्रह्म निष्पन्न तरह। वहाँ पे एक नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रही है, कहाँ मूल्य होगा, देखिए सम प्राप्त चित्त स्वरूपम आह, इतना यहाँ पे कार्यकर्ता क्या कहना चाहते हैं, सम प्राप्त न चले मन चित्त, जिस समय समता के भाव को प्राप्त करते हैं उस समय चित्त की क्या स्थिति होती है, तो क्या स्थिति है उसको आप बोल रहे हैं, इसलिए सम प्राप्त चित्त स्वरूपम, समता की भाव को प्राप्त किया जो चित्त का स्वरूप होगा वो क्या है उसको अभी कहते हैं, ठीक है, और आगे भी उसी से कोई ब्रह्मविद तरह इसको कैसे समझते हैं, यदा न लीयते चित्त न लीयते नापि स्तब्धि भवति, यानी सकसाय वो लय भी नहीं प्राप्त करता, स्तब्ध भाव में भी नहीं आता, स्तब्धि भवति ताम असत्य असत्य साम्येन, है ना, क्योंकि वो जो है तामसत्य साम्येन, ठीक है ना, तामसत्य साम्येन लय शब्देन स्तब्धि भावस्य कषायस्य उपलक्षणा, कषायस्य उपलक्षणा तम कार्यत्व उभयत्व ही समम, ठीक है, न लीयते नापि स्तब्धि भवति, और लय के साथ स्तब्धि क्यों, तामसत्व साम्येना दोनों में तमोगुण की समता है, सोने की समता तो तमोगुण की वृत्ति हो तब हम सोते हैं, स्तब्ध भाव भी तमोगुण की कार्य है, इसलिए बोलते हैं तामसत्व साम्येना लय शब्देन एव स्तब्ध भावस्य, ये लय शब्द के द्वारा उस स्तब्ध भाव का भी ग्रहण हो जाता है, लय शब्द के द्वारा, क्योंकि लय शब्देन एव स्तब्ध भावस्य कषाय जो सकसाय बोल स्तब्ध का मतलब क्या कहना चाहता है, जो मानवीय कार्यकाल सकसाय शब्द बोलता है, सकसाय से उपलक्षण तो उसका भी उसका उपलक्षण है, उसका ग्रहण करवा देता है, क्यों, तम कार्य तम उभयत्र ही समम, दोनों ही तमोत्तम गुण की प्राधान्यता के कारण एक कार्य होता है, सोना अथवा स्तब्ध भाव में तमोगुण की प्राधान्यता होती है, इसलिए दोनों को एक कैटेगरी मिलाया,
तो जहाँ पे गदा ना लीयते चित्तम, चित्त लय भी प्राप्त नहीं करता और सकसाय भाव में भी नहीं है, है ना, स्तब्धि भाव में भी नहीं है, है ना। ये दूसरा, फिर न ज विक्षिप्तते पुनः, और फिर वो विक्षिप्त भी नहीं होता, विक्षिप्त सो भी नहीं रहा है, सकसाय भाव भी नहीं है और विषय को जाने की भी इच्छा नहीं करते। यहाँ पे बोलता है न शब्दादि आकार वृत्ति अनुभवती, मन चार प्रकार पांच प्रकार के विषय के वृत्ति बनाते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे न शब्दादि आकार वृत्ति अनुभवति, ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी विक्षेप। उसके साथ ना पी सुखम आस्वादयति, वो समाधि सुख है, उस सुख का भी आस्वादन करने का इच्छा नहीं करता, उस सुख का भी आस्वादन करने का नहीं इच्छा होता, क्योंकि आप क्या है सहज समाधि अवस्था में रहते हैं, इस समाधि से उत्थान नहीं है, इस समाधि से उत्थान नहीं, मन एक स्वाभाविक स्थिति बन जाता है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे न ज विक्षिप्त न शब्दादि आकार वृत्ति मनोभव की कौम लगा के ना भी सुखम आस्वादयति, ये दोनों में क्या है राज शब्द साम्य न, है ना, ये दोनों ही राज गुण की प्राधान्यता का स्वरूप है। राज शब्द साम्य न सुख आस्वादस्य अपि विक्षेप शब्द उपलक्षण, रजोगुण की प्राधान्यता के कारण जब तक कि समाधि सुख में रजोगुण की प्राधान्यता नहीं बोलूंगा, वहाँ पे सत्यगुण की प्राधान्यता है, तो रजोगुण की रेनफोर्समेंट है, तमोगुण वहाँ पे नहीं है। और जब विषय सुख में जाते हैं उस समय क्या होता है कि रजोगुण की प्राधान्यता सत्यगुण की रेनफोर्समेंट है, क्योंकि सुख अनुभव हो रहा है, सत्ता संचय सुख, है ना, वहाँ पर सत्यगुण की रेनफोर्समेंट है। तो ये दोनों को मिल करके एक जगह पे कैसे समझ आ रहा है कि क्यों इस दोनों को इसके साथ ग्रहण हो रहा है, एक जगह पर तो तमोगुण की प्राधान्यता तो समझ में गल रहा है और सकस है, परंतु जो विषय सुख के प्रति विक्षिप्त मन होता है अथवा समाधि के लिए जो मन इच्छा करता है, दोनों वृत्तियात्मक है, दोनों वृत्तियात्मक है, एक में रजगुणात्मक वृत्ति की प्राधान्यता और सत्यगुण मदद करता है, एक में सत्यगुण की प्राधान्यता रजगुण मदद करता है, इसीलिए ये समझता बड़े करके बोलते हैं कि पूर्वत्र पाठ्यकेन निर्देशस्तु, सॉरी ध्यान रहेगा, ना भी सुखम आस्वादयति राजशब्द साम्येन सुख आस्वादस्य अपि रजोगुण की प्राधान्यता के समानता के कारण सुख आस्वाद को भी विक्षेप शब्देन उपलक्षण, न च विक्षिप्यते पुनः, तो चकार के द्वारा वहाँ पे क्या होते हैं ना जदाना लीयते चित्त, यहाँ तो स्पष्ट हो गया चकार के द्वारा वो समाधि सुख को ग्रहण हो रहा है, इसलिए बोलते हैं विक्षेप शब्देन उपलक्षण वो भयोरपि रज कार्यत्वम समम, है ना, दोनों में रजगुण के कार्यत्व की प्राधान्यता है। पूर्वत्र पहले पहले जब ऐसे ही है तो पहले अलग करके हम निर्देश किया, पहले तो हमने चार को अलग अलग निर्देश किया, लय अलग विक्षेप अलग सकस अलग समझ गया, ऐसा क्यों किया था, तो इसको हमको समझाने के लिए। अच्छा दूसरी बात क्या है, एक चीज और सोचू, लय से मन को जगाने की जो प्रयास और सकसाय से मन को जगाने की प्रयास एक नहीं होता। एक सोए हुए व्यक्ति, बिल्कुल सोए हुए व्यक्ति को जगाने के जो प्रयास और जो जग करके सो रहा है उसको जगाने के प्रयास में भिन्न होता है कि नहीं होता। सकसाय कह रहा जग करके सो रहा है और एक सोया हुआ व्यक्ति, सोया हुआ व्यक्ति को जगाना आसान है, जो जग करके सो रहा है उसको जगाना कठिन पड़ता है। एक 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 कैटेगरी हो गया, इसलिए पहले अलग करके सावधान किया, मानव कार्यकार की इतना स्पष्टीकरण है प्रत्येक चीज को ऊपर क्यों अलग अलग करके बोल रहे हैं, अलग अलग करके बोल रहे हैं, मन जब वहाँ पे जाए वहाँ से मन को उठाने का प्रयास भिन्न प्रकार का होगा, वहाँ से मन को उठाने का प्रयास भिन्न प्रकार होगा। सो जाएगा तो उस समय उसको क्या बोलना, भाई उठो तुम्हारा काम बचा है, जब सोएगा भी नहीं जगेगा भी नहीं, उस समय बोलना भाई जग करके क्यों सो रहे हो, जब जगे हुए हो मन को थोड़ा अपने विषय में लगाओ ना, मन अपने इष्ट को चिंता में जगे हुए तो वो सो जाता तो कोई बात, ठीक इसी प्रकार से विषय की ओर मन जब जाता है तो मन को क्या बोला, दुखम सर्वम मनुस्मृत्य काम भोगम करते, मन कितना बार विषय की ओर गया दुखी हो गई तो वापस आया नहीं, क्यों डर गया। समाधि शुक्र निस्संग प्रज्ञा व्रजति, यहाँ पे विचार विवेक चाहिए, ये सुख भी मेरे को एक समय यहाँ से उठना पड़ेगा, उत्थान स्थिति माना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे मन मत जाओ, समाधि का सुख चाहिए मतलब अच्छा लग रहा है परंतु यहाँ पे टिको नहीं, यहाँ से भी बाहर आ जाओ, क्योंकि वहाँ से तुम अपने आप ही जबरदस्ती बाहर होना पड़ेगा, तुमको उत्थान होना पड़ेगा, इसलिए अपने आप ही बाहर आ जाओ। कोई व्यक्ति आपने कहीं पर प्रवेश किया वहाँ से बड़े बाहर चले जाओ, वो अच्छा लगता है, अब जब देख लिया कि यहाँ से बाहर जाए तो अपने आप ही बाहर चले जाओ,
तो क्या हो जाएगा, अपना जो है अच्छा रहना है। ये चार चीज में मतलब अलग अलग करके पहले कथन करने का प्रयास इस इच्छा है कि यहाँ से निवृत्ति होने का उपाय अलग अलग होता है। यहाँ पर यहाँ पे आकर संक्षेप में बोला ठीक है। यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं उभयोर अपि रजोकार्यत्वं समानम्। यहाँ पर कौन करते हैं मतलब समीकरण करते हैं पूर्वत पार्थक्येन निर्देशस्तु। पहले जो चार को अलग अलग करके निर्देश किया उसके पीछे तो अभिप्राय ये है पृथक प्रयत्न करनाय, अलग अलग करके उसमें लाने के लिए भी प्रयास, उसमें जगाने के लिए भी प्रयास करना है। प्रत्येक पृथक प्रयत्न विधि, प्रत्येक के लिए अलग प्रकार की प्रयास आपको करना पड़ेगा। जिस समय लय में जाएगा वहाँ से चित्त को उठाने के लिए प्रयास एक प्रकार होगा, जिस समय सकाशय में जाएगा उस समय चित्त को जगाने का प्रयास अलग होगा, जिस समय विक्षिप्त होगा उस समय चित्त को वापस लाने का प्रयास अलग होगा, जिस समय समाधि चित्त में जाएगा उस समय ऊपर उठाने का जो तरीका होता है अपना अलग करने का सब में अलग अलग। इसलिए यहाँ पे इस चीज को सुन, आप यदि कोई व्यक्ति मान के लिए इस प्रकार आपके मन के ऊपर चिंतन करता रहता है देखता रहता है अपने आप ही जो है इसको ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन भावातीत है ना, मतलब आप अपने मन विदारी कठोर मनुष्य में ना सब मतलब सब ज्ञान मान भाव हमेशा मन को मतलब मन को मन रूपी लाना को बुद्धि के तरह कष्ट को करके रखो, यही है उसका ही कष्ट पकड़ेंगे। यहाँ पे कैसे पकड़ेंगे वो मन की स्थिति को देखा करके उसको स्पष्ट करके बोल रहे हैं। बोलते हैं कि प्रत्येक पृथक प्रयत्न विधेय न तो एक प्रयत्न इतर अपेक्षति, एक ही प्रयास के द्वारा चारों का जो निरोध हो जाएगा ये संभव नहीं है। न तो एक प्रयत्न इतर अपेक्षति, दूसरे का भी प्रयास हो जाएगा ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक प्रयत्न। अच्छा वो वहाँ पे कमा करते हैं प्रत्येक पृथक प्रयत्न विधेय, इसलिए अलग अलग न तो एक प्रयत्न मित्र विशेषति। अच्छा कोई कहता है परंतु यदि हम कहें एक ही प्रयास के द्वारा सारा काम हो जाएगा मन को लगा के रखो तो ऐसा नहीं होगा, तब तो प्रत्येक के लिए अलग अलग प्रयास की क्या आवश्यकता है। पूर्ववादी को शंका करते हैं कि यदि मन मन का जो स्थिति है तो जगह नहीं हमारा काम है तो एक ही प्रकार की प्रयास हो जाएगा, इसको अलग अलग प्रकार के प्रयास की क्या आवश्यकता है, ऐसा वो शंका करते हैं। तो उसको उत्तर बोलते हैं न तो एक प्रयत्न किम प्रत्येक प्रयत्न, प्रत्येक अलग अलग प्रयास की क्या आवश्यकता है। प्रमादितव्य हमें न प्रमादितव्य हमें इस प्रकार की प्रमाद नहीं करना चाहिए। एक टिप्पणी करके ये देख कि गलत नहीं समझने यहाँ पे प्रमाद मतलब अरे मैं तो मन को जगा लिया तो काम हो जाएगा, ऐसे नहीं जगे बैठे रहते प्रतिष्ठित चिंतन नहीं करते ठीक है ना। सब अच्छा स्थिति में आते हैं अथवा मन आपके बीज अवस्था में रह जाता है प्रमाद का मन गलती प्रमादित यहाँ पे कोई प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बोलते हैं प्रत्येक प्रयत्न यदि बोधनार्थम, इसको बोध कराने के लिए पहले चार चीज को अलग करके कहा और उसको मन को वहाँ से ऊपर उठाने के लिए प्रयास भी अलग अलग होते उसको अलग करके कहा। यहाँ पे दो को संक्षेप में विभाजन कर दिया, यहाँ पे लय के साथ सकाशय को लाया और विक्षेप के साथ समाधि शुरू को लाया एवं लय अशायाभ्याम ठीक है ना। एक कैटेगोरी क्या हो गया लय और सकाशय का, ये तमोगुण की प्राधान्यता के कारण होते हैं और विक्षेप रस अस्वादाभ्याम च, और एक हो गया विषेक और समाधि के रस साधन, इन दोनों से भी ये हो गया आपका रजोगुण की प्राधान्यता के कारण होते हैं। अभ्याम च रहितम चित्तम, इस चारों से जब रहित हो जाता है चित्त अनिंगनम, वहाँ पे कोई इंगन नहीं होता। सवात प्रदीप व चलनम लय अभिमुख रूपम इंगनम, देखिए जहाँ पे इंगन क्या होता है, इंगन शब्द का अर्थ करता है वायु चलता है और दिया भी जलता है, क्या होता है एक बार घुस एक बार फट फट करता है जलता है, घुसते नहीं है पूरा, कभी पूरा चल गया कभी हिल गया कभी थोड़ी हो गया, ये जो चित्त इसको होता है इंगन बोलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं सवात प्रदीप, आप जरा ऑब्जर्व करो, आपको अंदर को ऑब्जर्व नहीं करना करो उस जगह पे ऑब्जर्व करो, वायु है उतना तेज वायु नहीं है कि दिया को बुझा दे परंतु उतना भी वायु नहीं है कि दिया को एक तरह सीधा रहने दे, वो दिया को क्या करता हिलाता डुलाता काम करता भागता, ये स्थिति है ना। ये अलिंगन मतलब स्थिति मन का हट जाता है ना, स्थिति मन का हट जाता है। इसलिए बोलता है बाहर ऑब्जर्व करो देखो एक वायु वायु रहित स्थान नहीं वायु सहित स्थान जो वायु दिया को जलने में मदद कर रहा है ना, उस स्थान में दिया की क्या स्थिति होती है,
मदद करते हैं हम, परंतु यह लोभ जो होता है वो कभी छूट जाता है, कभी काम होता है, कभी हिल जाता है, उसको बोलते हैं। इसी प्रकार सवाद प्रदीप शरणम लयाभिमुखम लयाभिमुख रूपम इंधनम, इसके इंधन बनते हैं तत्र हितम अनिंगनम इतिहास समझ आया। क्या सुंदर दृष्टांत दिया यहाँ पे, क्योंकि हम बोलते हैं वायुरहित स्थान में दिया जैसे स्थिर होकर के जलते हैं ऐसा मन की स्थिति होनी चाहिए। तो इसका विपरीत को पहले सोच लो, क्योंकि बाहर एक ही जगह में दिखाई देगा कि वायु वाला स्थान जो दिया को जलने में मदद करता है वही वायु थोड़ा बढ़ जाता है तो दिया थोड़ा बुझने जैसा हो जाता है, बिल कभी जल जाता है, कभी इधर गिरता, कभी इधर होता, बुझती नहीं है। इसको यहाँ पे ईंधन बोला जाता है। अब चित्त इस समय ईंधन अवस्था में नहीं है ना, यह समतल और ये चारों में से किसी अवस्था में जाने की इच्छा नहीं करता, एक स्थिर भाव में रहेगा। उसे होता है अनिंदन स्वाद प्रदीप वचरण लयाभिमुख रूपम ईंधनम तत्रहितम, ये हो गया ईंधन के पद, तत्रहितम ईंधन से मतलब हो गया अनिंदनम इति अर्थ, मतलब क्या हो गया। अब बोल रहे हैं निपात प्रदीप कल्पम इति अर्थ वायुरहित स्थान में जैसे दिया जलती है। वायुरहित स्थान में देखिए ध्यान देना, बिल्कुल वायुरहित हो तो दीवा नहीं चलेगी, थोड़ा वायु चाहिए जिससे दिया को जलने का मतलब उतना वायु चाहिए, दिया बिल्कुल स्थिर है, मतलब मन को जला के रखना है ना। ये वायु क्या है वो जो बोलते हैं ना, ये अहिंसा ब्रह्मचर्य त्याग, इसके द्वारा मतलब जो मन मतलब क्या बोलेंगे संयमित मन और जहाँ पे इष्ट निष्ठा तीव्र हो गया, इस प्रकार मन में दीप स्थिर हो जाता है, ये वायु चाहिए, ये वायु चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्वात प्रदीप वरण लयाभिमुखम रूपम इंधन तदरहितम अनिंदनम इति अर्थ, मतलब क्या हो गया निवात प्रदीप कल्पम इति जगति, इसका अर्थ हो गया अनिंदनम, पहला चीज हो गया। फिर क्या है अनाभासम, ठीक है ना, मन की आभाष हमको कैसे पता लगता है, मन है कि नहीं आपको कैसे पता लगता है, कोई ना कोई विषय का वृत्ति होती है मन ऐसे पता नहीं लगता, चाहे सुखात्मक वृत्ति से दुखात्मक वृत्ति से विषयात्मक वृत्ति के माध्यम से मन के अस्तित्व को पता लगता है। अब क्या हो जाएगा अनाभाषण, ये विषय आकार वृत्ति नहीं रहेगा मन न के नचित विषय आकार आभाषते इति अर्थ, किसी भी प्रकार की विषय के साथ मिलकर के मनोवृत्ति नहीं रहेगा, किस रूप में रहेगा मनोवृत्ति असंकोपूर्ण रहेगा, मनोवृत्ति व्यापकता के साथ एक हो गया, मन व्यापक भाव में एक्टिव है। अब क्या बोलते हैं पशाय सुख आशादयो लयो विक्षेप अंतर्भाव उक्त एव, इसलिए वहाँ पे वो जो लय और विक्षेप खाना, लय और विक्षेप के अंदर ही सकशाय और रस आस्वादन के अंतर्भाव ग्रहण हो जाता है। कषाय सुख आश्रादयो सकषाय भाव और समाधि सुख क्या ये दोनों का लय विक्षेप अंतर्भाव उगते हो, लय और विक्षेप अंतर्भुक्त रहता है, ये हमने कथन कर दिया। यदैव दोष चतुष्टय रहितम, ठीक है ना, इस समय मन चित्त इस चारों दोष से रहित हो जाए। यदैव इस प्रकार अभ्यास करते करते अभ्यास करते करते यदैव दोष चतुष्टय रहितम, दोष चतुष्टय से मन रहित रहेगा, चित्तम भवति चित्त जनक तदा तत्चित्तम ब्रह्म निष्पन्न उस समय समझना चित्त क्या है उस अधिष्ठान के साथ एक होकर के लिए ब्रह्म रहता है। अब वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार चित्त एक सत्य वस्तु है कि नहीं है, चित्त भी भ्रांति से हमारे ऊपर कल्पना की थी हमने और वो हमको साधन में मदद किया। रज्जु के ऊपर सर्प जो दिखाई दे रहा है सर्प सत्य नहीं है, परंतु सर्प हमको वहाँ पे क्या है उसके को मैं डरा हुआ था तो मेरे को गुरु जी ने पकड़ कर लेकर वहाँ पे दिखा, सर्प हमको वहाँ तक जाने के लिए मदद किया, अपने हिम्मत करने में मदद किया, ये चित्त वही काम है। फिर अपने आप उसी में लाइव करते अधिष्ठान में लाइव चित्त की वेदांत सिद्धांत में अंतकरण भी कल्पित वस्तु है, अंतकल्पित वस्तु जब ज्ञान होते हैं अधिष्ठान के फिर भी लय प्राप्त करते हैं, इसलिए ब्रह्म भाव को प्राप्त करके इसलिए हम बोलते हैं यदा एवं दोष प्रतिष्ठय रहितम चित्तम भवति तदा तत्चित्तम ब्रह्म निष्पन्नम, चित्त व्यापकता के भाव को प्राप्त कर गया और समता के भाव को प्राप्त, विश्वमता के भाव में विक्षेप होता है, समता के भाव में विक्षेप ब्रह्म प्राप्त भगवती। ठीक है।
टिप्पणी का इसमें बहुत मदद किया कारिका को समझने के लिए। एक एक प्रत्येक कारिका को ऊपर देखे एक टिप्पणी ले जाके कारिका को समझ जाए। अब जो है यहाँ पे टीकाकार क्या बोल रहे थे, त्रिविध प्रतिबंध विधुरम विषय आकार रहितम जदा चित्तम अवतिष्ठते तदा ब्रह्म संपन्न भवति इति अर्थ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, त्रिविध प्रतिबंध विधुरम, तीन प्रकार के प्रतिबंध मतलब लय सकसय विक्षेप और जो विषय आकार मतलब हमने जो समाधिशु विषय आकार रहितम जदा विचित्तम और जिसको शुभ करके जब चित्त विद्यमान रहते हैं तदा ब्रह्म संपन्न भवति, उस समय व्यापकता की भाव के साथ चित्त एक हो गया। ब्रह्म संपन्न मतलब कोई विषय नहीं है यहाँ, चित्त अपनी परिच्छिन्न वृत्ति को छोड़ करके व्यापकता की वृत्ति पूर्णता की वृत्ति में पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णता की भाव का विद्यमान, मतलब अपने में कोई वस्तु का आकांक्षा नहीं है। हाँ, वो पूर्ण नहीं है क्योंकि भिन्न वस्तु देखेंगे उपयोगी भाव ही नहीं रहता संशय में, किसी वस्तु का भी उपयोग नहीं है हमारे स्वरूप में। तो आप देखिए तीन नंबर टिप्पणी बोल रहे हैं कि त्रिविध प्रतिबंध विधुना त्रिविध पूर्वाध्यन लय विक्षेपयो अभाव उक्त अनिज्ञानमिति कषाय अभाव रागादीनास्तब्धि भाव ही कषाय। क्या बोलते हैं, पूर्वाध्यन श्लब्धि पूर्वधान पूर्वार्थ क्या है, नारी यते चित्तम न च विक्षेपये पुनः, इन दोनों के द्वारा पूर्वाध्यन लय विक्षेपे अभाव तीन बोला नहीं है, तीन क्या क्या है, पर पहला आधा भाग के तरह लय और विक्षेप अभाव अभाव अनिंगनम, फिर धार तृतीय पाद के पहला शब्द क्या अनिंगनम मतलब कुछ इति कषाय भाव रागादीनास्तब्धि भाव, मतलब कषाय भाव क्या है, राग देश के कारण जो स्तब्धि भाव है जब मन को सब जगह ही कष उसको कषाय शब्द के तरह बोला गया। अनिंगनम इति अस्य च रागादि वासना शून्यतम इति अर्थ, तब मतलब क्या हो गया, इस समय में राग देश के कारण जो मनोवृत्ति उठती है वासना हो गया उस समय में अनिंगनम रहितम इति अर्थ। तब आप इसी को मन में रखते हुए वहाँ पे टीका का क्या बोला था, त्रिविध प्रतिबंध विधुरम, पहले चतुर्थ प्रतिबंध को नाश करने का प्रयास ना करे क्योंकि तब चित्त मन एकाग्र नहीं होगा। पहले जो है मन को चतुर्थ प्रतिबंध का आप पहले वहां पे पहुंचिए तब उसको हटा देंगे, वहां पहुंचने से पहले उसको हटाने का प्रयास मत करें, तब पहुंच ही नहीं पाएंगे, तब हम लक्ष्य में पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है ना, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति चार मंदिर पे चढ़ना चाहते हैं तो पहला दूसरा तीसरा मंदिर तक चढ़ेंगे तब मैं चौथे में जाएंगे, अब तीसरा मंदिर के चढ़े भी नहीं हम चौथा में मंदिर में जाने की कोशिश करते नहीं हो पाएगा, इसलिए धीरे धीरे चलते रहेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे बोलते हैं लय विक्षेप और कषाय भाव से अलग होने के बाद हम मन को स्थिर करने को स्थिर उसके भाव में अपने स्वरूप भाव में मतलब असंगता पूर्णता का पता चलो भाव में जाने का, जैसे ही वो भाव धीरे धीरे स्थिर होता है तब मन में एक उपासना जैसा है उसको मन को विषय रूप में देख रहा है उसको, फिर उस मन को हटा फिर उस मन को हटा स्वरूप इसलिए बोलते हैं कि अनिंगनमिति कषाय भाव रागादि नस्तब्धि भाव ही कषाय अनिंगनमिति अस्य च रागादि वासना शून्यतम मध्ये इति तदा त्रिविध प्रतिबंध विधिरम इति। अब जो है अनाभास बोला है ना, अनाभासमिति रस अस्वाद अभाव उक्त, देखिए टिप्पणी कार कितना सुंदर बोला, ये जो है तो अनाभास बोला मतलब इस समय फिर विषय रूप में आपके सामने समाधि का भी आस्वादन नहीं हो रहा है, इस स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। अनाभासमिति रस आस्वाद अभाव उक्त तम च फल अव्यवहितता, वो जो है क्या है इसके साथ अब जिस फल को आप प्राप्त करना चाहते हैं मतलब व्यापकता की भाव में स्थिर रहना चाहते हैं पहले लय से उठाया मतलब आगे और स्टेप बाका है, फिर उसके बाद अपने विक्षेप पे भी हाका फिर भी एक स्टेप बचा है, फिर सकसय भाव से भी उठाया फिर भी एक स्टेप बचा है, अब मन धीरे धीरे स्थिर जैसे स्थिर होने लगता है इसके बाद जो फल है ना वो अव्यवहित है मतलब कोई बीच में कोई अलग आपका प्रतिबंधन नहीं रहेगा, बस वही प्रश्न इसलिए आगे बोलते हैं अनाभास्य इति रस आस्वाद अभाव ये जो उक्त जो रस आस्वाद अभाव जो कथन तम च फल अव्यवहितता उसके साथ फल के साथ अव्यवधान है, जैसे ही आप मतलब समाधि से मन को हटा करके स्वरूप में लाया बस तुरंत आपकी व्यापकता की बोध हो जाएगी, तुरंत आपकी व्यापक अनुभूति हो जाएगी,
इसलिए आगे बोलते हैं फल अव्यवहित पृथक, इसलिए इसको अलग करके निर्दिष्ट किया, इसको अलग करके निर्दिष्ट विषय मतलब क्या हो गया, विषय आकार रहितम बन जाए ना, किसी विषय आकार से रहित हो जाएगा। रसास्वादे सुख से विषय ही भाव, क्योंकि रसाद आस्वादन से सुख अलग होता है, वो विषयात्मक सुख है, हाँ मुक्ति का काम है, इसलिए वहाँ से भी हटा देना चाहिए, वहाँ से भी हटा देना चाहिए। रसास्वादे सुख से विषय ही भाव, वो विषयात्मक बुद्धि हो जाए उसका, वो उस प्रकार की होने के कारण वहाँ से भी मन को उठा करके तब अनाभास स्थिति बनते हैं, तब ब्रह्म निष्पन्नम तथा उस समय व्यापकता के बाद में मन स्थिर हो जाता है। अब जो है ये टीकाकार टिप्पणी का मेन करके श्लोक अर्थ को समझा दिया। अब जो है अक्षराणि व्याचस्य भगवान भाष्यकार क्या बोलते हैं, यथक्तेन उपायेन निगृहीतं चित्तं जदा सुषुप्ते न लीयते न च पुनर्विषयेषु विक्षिप्यते। देखिए यथक्तेन उपायेन, यथक्त उपाय क्या है, ज्ञानाभ्यास और वैराग्य, उपाय हमारे पास ही है, ज्ञानाभ्यास और वैराग्य श्रवण मनन निधिध्यास है, और उसके फलस्वरूप जागृत सम्मान को बिल्कुल उठा देना, ये हो गया उपाय। निगृहीतम मतलब विषय से बिल्कुल विमुख हो जाना, निगृहित मन विषय विमुख कृतम। अब उस समय परंतु उस समय सुषुप्ति की तरह लय प्राप्त नहीं करना, ये चीज क्योंकि प्रचार और सत्व विज्ञान सुषुप्ति विन दर्शन पहले बोल करके आया, यदि आप सुषुप्ति में जाना चाहते तो हमें पता है, बोलते ध्यान रखना प्रारब्ध जनित सुषुप्ति और जागृत में सुषुप्ति जाना, इन दोनों में का वस्तु मन की प्रचार की भिन्नता, मन की प्रचार की पहले बोल करता है प्रचार और सत्व विज्ञान सुषुप्ति अंत न दर्शन, हमें जानने का शंका उठाया था, तो यहाँ भी ये बोलते हैं कि यहाँ की जो प्रचार है सुषुप्ति के समान ये लय प्राप्त नहीं करता। यहाँ पे बोलते हैं यदा न सुषुप्ति, यहाँ एक समुपद को अध्याय कर देना, सुषुप्ति में जैसे लय प्राप्त करते न लीयते और न च विक्षिप्यते, मतलब जैसे जागृत स्वप्न में विषय के साथ विक्षिप्त होता है, ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। यथक्तेन उपायेन ज्ञानाभ्यास और वैराग्य के द्वारा निगृहीत मतलब विषय से मन को पूर्ण रूप से हटा लिया, इस प्रकार की चित्त जब न लीयते सुषुप्ति के समान लय प्राप्त नहीं करता, है ना, इस समय लय नहीं प्राप्त न लिए थे, न जब पुनः विषय से विकसित होता फिर विषय की ओर दौड़ने की इच्छा भी नहीं करता, विषय की ओर जाने की इच्छा नहीं, उस समय अनिंगनम, अनिंगनम मतलब अचलम, अनिंगनम मतलब क्या हो गया, वो कोई चलन नहीं है, होते निबात प्रदीप कल्पना, है ना, वायुमुख स्थान में जैसे दिया जलते रहेंगे स्थिर रूप में, इसी प्रकार मन जो है स्थिर रूप में चलते रहते हैं। अनाभाषण न केनचित कल्पित न विषय भावे न उपभाषते, सारा संसार कल्पित है, है ना। अब मन अभी तक जो क्या होता था, इस उसी उसी एक कल्पित विषय को लेकर की मनोवृत्ति उठती थी, कहाँ तक की, यहाँ तक कि अपनी अहंकार तक, है ना, बाहरी वस्तु संबंधित वृत्ति उठाना अलग बात है, परंतु शरीर संबंधित शरीर क्या रहेगा, कैसे रहेगा, कैसे करेगा, ये सब चिंता अधिकतर इसी को लेकर के होते हैं, अधिकतर इसी को लेकर होते हैं, वो अपने सब था। अब देखो मैं कभी भी इस शरीर को लेकर के इतना चिंता नहीं करता हूँ, ठीक है, भगवान से प्रार्थना कर उसके साथ साधन कर, परंतु ये नहीं कि कैसे रहेगा क्या रहेगा, परंतु इसको लेकर के दुनिया भर की चिंता लगा हुआ है, अब वो चिंता नहीं रहेगा, वो चिंता बिल्कुल नहीं रहेगा, वो रहे चाहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, जिसके लिए भगवान ने शरीर दिया था वो काम कर रहा, अब जिनके जिनको रखना है यदि कुछ काम कर रहे हैं वो करेंगे, हम उसको लिए कुछ चिंता नहीं, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि अनाभाषण न केनचित कल्पित न विषय भावे न, जो कल्पित विषय है ये होगा वो होगा ऐसा न से सकती है किसी प्रकार की वृत्ति मान में नहीं, अब वो भाषा दे मन वहाँ पे अभिव्यक्त नहीं होता। जदा एवं लक्षणम चित्तम, जिस समय चित्त इस प्रकार के लक्षण के द्वारा लक्षित होता है, मतलब वो सोने की भी इच्छा नहीं करता है, विषय चिंतन का भी इच्छा नहीं करता है, ध्यान करने का भी इच्छा नहीं करता, बस अपने में विद्यमान रहता है। यदा एवं लक्षणम चित्तम तदा निष्पन्नम ब्रह्म, उस समय जो है अब समभाव को प्राप्त हुआ, ये समझना है, मतलब ब्रह्म स्वरूप निष्पन्नम चित्तम भवति, व्यापकता के भाव में चित्त स्थिर हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। इसके ऊपर देखो टीकाकार दो चार लाइन है, जो हमें बोले ना यथक्तेन उपायेन,
ठीक है ना, उपाय क्या है बोलते हैं, उपाय ज्ञान अभ्यास आदि, ज्ञान अभ्यास आदि से वैराग्य। अच्छा, फिर वहाँ पे पता है निगृहितम, निगृहितम अर्थ क्या है, निगृहितम विषयेभ्य विमुखीकृतम, ठीक है, कम कर देना हमारे विषय से अलग कर दिया। सुषुप्तिवत न लीयते, सुषुप्ति के समान न लीयते, न लीयते मतलब न निद्रा पारवश्येन कारणात्मता, कारणात्मतम गतम, निद्रा की अधीन होकर के कारण क्या है, अज्ञान, अज्ञान भाव में चला गया, यहाँ भी नहीं होगा तब। फिर बहुत अच्छा लाइन लिखा है टीका का, निद्रा के अधीन होकर के जब हम सुषुप्ति में जाते उठ करके क्या बोलते हैं, सुखम अहम अश्वासम न किंचित अवेदिष्मि, अपने अज्ञान को अपने अभिव्यक्त करते हैं, कुछ भी नहीं जाना, अपने को भी नहीं जाना, ये जो अपने स्वरूप के अज्ञान ये नहीं रहेगा उस समय। अब उठ करके बोलेंगे अरे क्या आनंद में स्थिति है, मैं ही असंभव पूर्ण व्यापक हूँ, ऐसा कुछ लगता है, मैं कुछ नहीं जाना, ये बात नहीं है ना, बाहर विषय है नहीं जानेंगे किसको, बस अपने पे पूर्ण है। इसलिए बोलते हैं न लीयते, इसका न निद्रा पारदर्शी, न निद्रा के पराधीन होकर के कारणात्मता मतलब अज्ञान रूपता गतम, उस भाव को प्राप्त नहीं करते, कारणात्मता मतलब अज्ञान हमें कारण शरीर, कारण शरीर के अज्ञान है, अविद्या काम कर्म, अविद्या काम कर्म, अविद्या हो गया कारण शरीर, काम हो गया सूक्ष्म शरीर, कर्म हो गया स्थूल शरीर, इससे रहित हो गया अविद्या काम कर्म गतिविधि अर्थ। फिर आए अलिंगनम अचलम, अचलम मतलब पहलेगा रागादि वासना शून्यम इति अर्थ है ना, राग द्वेष आदि उसके निमित्त जो वासना की बात करनी है तो वासना कहाँ से होगा, अविद्या काम, काम नहीं है, अविद्या नहीं है तो काम नहीं है, इस अवस्था में आ जाएंगे अचलम रागादि वासना शून्यम इति अर्थ। अब अचल के ना दृष्टान्त, ये अचल कैसा है उसके लिए दृष्टान्त तो क्या है, निवाद प्रदीप कल्प वायु रहित सांड प्रदीप की तरह स्थिर रूप में जलता है। अच्छा, फिर आगे बोलते हैं अनाभाषम, उसमें बोला न किन्चित विकल्पित न विषय भावे न अपभाषते, वहाँ पे तीन नंबर टिप्पणी लिखे हुए हैं है ना, विषय भावे न मतलब क्या, विषय आकार है ना, कि मन की यदि आप देखते विषय को अवलंबन करके मृत्यु को अवलंबन करके मन दिखाई पड़ता, मन को अलग नहीं देख पाएंगे, मन को जब कभी भी देखेंगे आपको कोई ना कोई मृत्यु को अवलंबन करके मन दिखाई पड़ेगा, इसीलिए बोलता है उस आकार का मन नहीं दिखाई पड़ेगा। अच्छा आगे देखिए, किंतु ब्रह्म आकारेण एवं लक्षणम चित्तम, मन तो विषय आकार में नहीं दिखाई पड़ता, किस रूप में, अब मन किस रूप में दिखाई पड़ता है, व्यापक आकार में, पूर्ण आकार में, अपने में पूर्ण हम है, इस प्रकार के व्यक्तित्व मन हमेशा दिखता है, किंतु ब्रह्माकार एवं लक्षण जानम बटे में, किंतु इत पूर्व न विषय भावे न अवभाषित, इससे पहले जो होता था ना विषय रूप में मन प्रकाश अभिव्यक्त होता था, अब मन विषय के साथ प्रकाशित नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं किंतु इत पूर्व इससे पहले जैसे होता था न विषय भावे न विषय रूप से अभिभाषित नहीं हो सकता, यदि शेष दृष्टि में इतना आगे आपको जोर करते करना पड़ेगा, उस समय मन विषय के साथ एक होकर के नहीं दिखाई पड़ता, किसके साथ, पूर्णता के साथ एक होकर के। देखिए इसीलिए ज्ञान होना मतलब कि आप पागल हो जाएंगे ये बात नहीं है, ज्ञान होना मतलब मन शुद्ध हो जाना, अपनी पूर्णता के भाव, ज्ञान के व्यापकता के भाव, कहीं पर कोई भेद दृष्टि भेद व्यवहार ही सब चला जाता है, एक समभाव ज्ञान होता है, निर्दोष एक समम ब्रह्म तस्मान ब्रह्म बनी स्थित है ना, पंचमात्र नहीं होते हैं, इस भाव को प्राप्त करते हैं, किंतु पूर्व अपना विषय भाव है ना भाष, इसके पहले ऐसा नहीं होता था, एक नया चीज पहले इन दोनों के बीच में डर की स्थिति भी आएगा, मैं बता रहा हूँ 100%, क्योंकि हमको विषय के साथ देखने का, व्यक्ति के साथ देखने का अभ्यास हो गया, मन जब उसको कुछ नहीं मिलेगा ना डर लगेगा ये क्या हो गया, फिर जैसे ही आपको गुरु भागवत्व शास्त्र का स्मरण में आएगा तब वो भाव चला जाएगा, पूर्ण कति भाव मन का भी प्राप्त हो जाएगा। किंतु ब्रह्माकार एवं लक्षण चित्त यदा संप्रत्यते तदा इति योजना, इस प्रकार यहाँ व्याख्या करने का, निष्पन्नम ब्रह्म यदि उक्तम है कोई वहाँ पे कहा ना, तो निष्पन्नम ब्रह्म इसी को दोबारा बोल दिया, ब्रह्म स्वरूप निष्पन्नम चित्तम भवति, वास्तव में क्या तदा निष्पन्नम ब्रह्म, मन उस समय ब्रह्म भाव कर ब्रह्म स्वरूप निष्पन्नम चित्तम भवति, चित्त तब इस समय चित्त में जो भी कोई वृत्ति होती है परिच्छिन्नात्मक वृत्ति दर्शनात्मक वृत्ति, उस समय चिंतन क्या रहेगा, पूर्ण व्यापक
पूर्णता की अनुभूति होती है ना तो पूर्ण के अवशिष्य नहीं बोल सकती। इस प्रकार से प्रभाव लगता है। ठीक है, हमें पकड़ते हैं आज दूसरा वाला। ठीक है, प्रज्ञा वैशाख वेद सुभित जल निधे वेदनामुतरस्थम भूतान्यालोक्यमज्ञान्यविरत जनप्राह घोरे समुद्रे कारुण्यादुदधारामृतनामरे दुर्लभं भूतहेतो यस्तं पूज्यापि पूज्यं परं गुरुं पादपादेन तोष्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाभिमानि व्योमपर्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमः।